was he then, this man, that all the world should mourn him? A physically slight man, 5 feet 5 inches tall, who wore a homespun cotton loincloth like the poorest of the Indians, sometimes weighing less than 100 pounds. A man who died possessing only sandals, a pen, a book, and a dollar watch. Who spoke simply, with no attempt to hypnotize. Nobody will take in English. नमस्कार, यूपी नाव में आपका स्वागत है। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। बापू अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। देश को आज़ादी मिलने में उनके प्रयासों और उनके द्वारा अपनाए गए अहिंसा के सिद्धांत का एक बड़ा योगदान था। बापू ने ही संदेश दिया कि अहिंसा सर्वोपरि है। पहली बार महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रेडियो रंगून से प्रसारित अपने भाषण में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण प्रयास किए, लेकिन उन्होंने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया। उन्होंने सभी से इसका पालन करने की वकालत भी की थी। साबरमती आश्रम में बापू अपने जीवन का एक बड़ा भाग गुजार गए थे। वे हमेशा परंपरागत भारतीय धोती व सूती चादर लपेटे रहते थे। इतना ही नहीं, अपने वस्त्रों के लिए वह खुद चरखे पर सूत भी काता करते थे। वो जीवन भर शाकाहारी रहे। उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास भी रखे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन जाते समय मोहनदास करमचंद गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें गोली मारने वाला नाथूराम गोडसे वहीं पास झाड़ियों में छिपा था। महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली के राजघाट पर बनी हुई है, जहां अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है। महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता गांधी को कई गीत भी समर्पित किए गए हैं, जो उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। इसमें प्रमुख है संत कवि नरसिंह मेहता का लिखा भजन, वैष्णव जन तो तैने कहिए जे पीर पराई जाने रे। आज बापू को मरे जब इतने साल गुजर गए, तो भी वो हमारे दिलों में बसे हुए हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि यही होगी कि हम उनके बताई राह पर चलें। आज सत्य और अहिंसा पर अमल करने की जरूरत केवल भारत में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व को है। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर है और रहेगा। महात्मा गांधी पर कितनी ही किताबें लिखी गई हैं। भारतीय सिनेमा ने भी गांधी के सिद्धांतों को साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के बच्चे से लेकर बड़ों तक की जुबां पर उनका नाम अमर है। हम जब भी आज़ादी की बात करते हैं तो उनका जिक्र होना लाजमी है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी को भी रिंग करिए, ताकि जब भी हम कोई नया पोस्ट YouTube पर डालें तो उसकी सूचना आप तक सर्वप्रथम पहुंच जाए। नमस्कार।